अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम भियानी शॉपिंग सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद 2 के स्टॉप पे आए हुए हैं, एक कंप्यूटर की शॉप पे, जहाँ पे आपको हर तरह के कंप्यूटर हाई स्पेसिफिकेशन और लो स्पेसिफिकेशन, तमाम तरह के ग्राफिक्स कार्ड, लैपटॉप, स्पीकर्स, ब्रांडेड माउसेस, ब्लूटूथ हेडफोन्स, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन, हर चीज़ आपको मिलेगी। और जो गेमिंग के पूरा जो गेमिंग रूम का जो होता है सेटअप, वो भी ये करते हैं। और इनके पास आप जैसे देख रहे हैं, इनके पास बेहतरीन किस्म की जो है केसिंग है, तो ये भी आपको बताइएगा ज़रा, ये केसिंग कितने की है? ये केसिंग आपको पड़ रही 22,000 की। अच्छा, 22,000 की है ये केसिंग। और इसमें ये जो RGB लाइट्स वगैरह हैं, ये कितनी है? ये इसके अंदर 6 फैन हैं। मज़ीद और भी लगा सकते हैं हम? नहीं, 6 फैन भी आप इसके अंदर, आप हीट सिंक लगाना चाहें तो हीट सिंक के ऊपर एक फैन लग जाएगा। अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि जो कंप्यूटर किस रेंज में मिल जाएगा, बोर्ड, प्रोसेसर और रैम वगैरह के साथ? आपको पहले चाहिए कौन सा, पहले आपकी नीड कौन सी। अगर आप मुझसे 4th जनरेशन में लेते हैं तो 4th जनरेशन के अंदर भी मेरे पास 4 तरीके की क्वालिटीज़ है, ठीक है। 4th जनरेशन से आप यहाँ पर आ जाए तो एक ये मेरे पास बोर्ड है, वो है H97, ठीक है। सही है, इसके अंदर ये फ़ायदा है, इसके अंदर है M2 की स्लॉट, तो ये बोर्ड थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। सही है, उसके बाद आइए, ये कितने का है, क्या प्राइस है ये? इसकी ये आपको पड़ेगा 10,500 का बोर्ड, ठीक है। और ये कहाँ तक सपोर्ट करता है? ये है 5th जनरेशन तक, यानी कि इसमें आप i3 4th लगा सकते हैं, i5 भी 4th लगा सकते हैं, i7 4th भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी 5th जनरेशन भी इसके अंदर सपोर्ट है, ठीक है। और इसके बाद DDR3 है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ये वाला बोर्ड है 2 स्लॉट के अंदर, H81 दिखाइएगा। देखें गाइस, आप पूरा बोर्ड देखें, यहाँ पे एक्सप्रेस स्लॉट है, सारी चीज़ें हैं। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके क्या प्राइस है? ये आपको पड़ेगा 9,000 में, ठीक है। अच्छा, और जैसे कि ये एक बड़ा अच्छा गीगाबाइट का बोर्ड दिख रहा है हमें, तो ये इसके क्या प्राइस है? ये AMD का बोर्ड है, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 14,000 का, ठीक है। में बोर्ड भी देखें, बड़ा है बोर्ड भी, ठीक है। इसके अंदर PCI Express स्लॉट भी ज़्यादा है, सही है। और बाकी इसकी हीट सिंक भी आप देख सकते हैं, सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है आपके पास, हाईएस्ट रेंज में कौन सा है? हाईएस्ट रेंज में मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड है कॉर्डो का 8GB का। अच्छा, दिखाइएगा। 8GB 256 bit DDR5 DirectX 12। गाइस देखें आप, ये कितना हैवी कार्ड है और इसमें पावर सप्लाई भी लगती है। किस साइज़ का कार्ड है, ज़बरदस्त किस्म के गेम को जो है ना बहुत ज़्यादा FPS पे रन करेगा। तो ये जो है इसके कुछ फाइनल प्राइस क्या होंगे? ये आपको पड़ जाएगा 70 प्लस का, ठीक है। और ये वाला कौन सा कार्ड है? ये GTX 460 है, यानी कि ये उनके लिए जिनको GTA 5 वगैरह खेलना हो और जिनकी रेंज कम हो उनके लिए है, मिड रेंज के लिए। अच्छा, ये कौन से बोर्ड हैं भाई? ये भी 4th जनरेशन का बोर्ड है, ठीक है। H97 Pro है, ठीक है। ये बेसिकली डिज़ाइन करा हुआ है AS रॉक कॉलर ने, ठीक है। ये बोर्ड आपको मिलेगा 11,000 का, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, ये जो ब्रांडेड जैसे सिस्टम हमें बहुत सारे दिखने को मिल रहे हैं, इसमें Core i5 का पैकेज कितने का है? 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, पूरा बेयरबोन पूरा सिस्टम, ये बताइएगा। अगर आप, मेरा काम है अनब्रांडेड पर, ठीक है। ये सारे बोर्ड के लाते हैं अनब्रांडेड, और वो जो ऊपर हैं वो ये सारी केसिंग आपको मिलेंगी, साइड ग्लास पे केसिंग है, ठीक है। अगर ब्रांडेड कोई बंदा चाह रहा हो तो आप अरेंज करा दीजिएगा ब्रांडेड में। अगर आप चाह रहे हो, अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए, अगर आपको ज़्यादा मशीन चाहिए तो वो भी आपको। तो गाइस, आप एक काम करके देखें, इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, इनके और इनके भाई का। तो अगर आपको जो भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चाहिए हो, और साथ बताइए ब्रांडेड भी दे देंगे, अनब्रांडेड के। अनब्रांडेड हम लोग इस वजह से रेकमेंड करते हैं कि उसकी जो है ड्यूरेशन और लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ब्रांडेड जो है उसकी कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको बेयरबोन फिर मार्केट में ढूंढना पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि ये हम इस केसिंग में देख रहे थे लाइटिंग वगैरह, इस तरह से किसी को कराना हो और ऐसे पंखे लाइटों वाले ये मिलेंगे? ये भी आपको मिल जाएंगे। ये देखें फैन जे वाला, देखें गाइस, ये देखें ये सारे फैन है GA102। अगर आपको अपनी केसिंग में इस तरह के फैंस करने हैं, पूरी लाइटिंग करनी है, तो ये जो है ना इससे आप कर सकते हैं। ये वाला फैन है, इसके साथ ये कंट्रोलर आता है इस फैन का, दिखाइएगा। गाइस ये इसका रिमोट है। और एक केसिंग में अगर हम 2-3 फैन लगाना चाहें तो वो फिर लगेगा। अगर आप उससे अलग अलग फैन लेंगे तो आपको एक फैन पड़ेगा 1300 का और ये कंट्रोलर पड़ेगा 1100 का। और ये रिमोट कंट्रोल से जो है ना लाइट्स की 8GB चेंज होंगी, ठीक है। और इसके अंदर भी 8GB 8 किस्म की लाइटें हैं जो 8GB इसके अंदर सकती हैं। दिखाएगा ये जी, मुझे दिखाएगा केसिंग की लाइटें और ये रिमोट जी। ये रेड गाइस ये देखें, रेड आ गया, ग्रीन कलर आ गया, पर्पल आ गया, येलो आ गया, ठीक है, रेड आ गया, ठीक है। ये देखिए गाइस आप देख रहे हैं इसकी लाइटिंग चेंज हो रही है और कितनी खूबसूरत है। अगर कमरे में आप लगाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। देखेंगे गाइस ये देखें, एक ये ऑप्शन आ गया जिसमें आपको लाइट डिम करनी है जी, डिम करनी है या बिल्कुल आपने डिम कर दी लाइट, ठीक है। ये डिम हो गया। अब इसको ज़रा तेज़ करें आप, अभी बिल्कुल हाई चलेगा, हाँ ठीक है। अब इसको आपने ऑटो पे कर दिया, ठीक है। देखिए ये ऑटो पे होगा। देखें गाइस इसके अंदर इसका रिमोट देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जी। इसका रिमोट, ठीक है, हाँ। ये गाइस ये इसके पूरे रिमोट में सारे इसके 8GB लाइट को कंट्रोल करने के ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर किसी को ये केसिंग चाहिए हो तो वसी से आप रब्ता करें। अच्छा वसी आपके जो स्पीकर्स होते हैं जैसे बूफर्स वगैरह वो क्या प्राइस होंगे? लॉजिटेक के ब्रांडेड बूफर्स मिल जाएंगे। कौन से ऊपर बताइएगा? 5.1 ये देखिए मैंने 5.1 का एक सेट लगाया भी आपको, ठीक है गाइस। ये 5.1 का जो सेट है ये आपको मिल जाएगा 15,000 का, ठीक है। ये गाइस ये देख लें ये पूरा सेटअप है इसका। अच्छा इससे भी अगर हैवी रेंज में हम जाना चाह रहे हैं, अगर आपको इससे भी हैवी रेंज में जाए तो मेरे पास 7.1 भी और 2.1 वो ऊपर रखा है जी। देखिए सारे ऊपर गाइस ये देखें इनके पास पूरे स्पीकर्स की ज़बरदस्त कलेक्शन है। गाइस देखिए नॉर्थ नाजिमाबाद में आप जैसे सदर अगर आपको जाना मुश्किल है तो इनके पास आपको बहुत मुनासिब कीमत में प्राइसेस में चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और बहुत ही मुनासिब कीमत में देंगे। देखिए केसिंग भी इनके पास सारी केसिंग्स अवेलेबल हैं, ये देखिए आप। अच्छा लैपटॉप्स वगैरह आपके हर रेंज में मिल जाएंगे? लैपटॉप भी आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए मेरे पास अभी ये लैपटॉप रखा हुआ है i7 का 4th जनरेशन, i7 4th जनरेशन, X1 कार्बन लेनोवो की है, ठीक है गाइस। ये देखें लेनोवो का बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है और ये 360 कहलाती है, 360 है ये, रोटेट हो जाएगी ना, पूरी रोटेट हो जाती है, हाँ गाइस। ये देखें आप ये कितने का है दोस्त? ये आपको पड़ जाए 40,000 का, 40,000 का, ठीक है। SSD लगती है M2, ठीक है, वो 128 होगी और 4GB रैम होगी, आपको पड़ जाए 40,000। अगर DDR4 का हम कोई बोर्ड का पैकेज करना चाहें तो वो कितने का मिलेगा? DDR4 का बोर्ड का पैकेज कंप्यूटर DDR4 में भी मेरे पास बोर्ड रखे हुए, ठीक है, दिखाईगा। ये DDR4 का बोर्ड है भाई, देखिए इसका बोर्ड है Asus का, इसका मॉडल नंबर है H170M। इसमें 2 एक्सप्रेस स्लॉट है ना जी, जी गाइस 2 ग्राफिक कार्ड इसमें लगा सकते हैं। इसके अंदर M24 भी लग सकती है इसके अंदर, देखें गाइस इसमें आप ज़बरदस्त है। अच्छा वाईफाई का एक कार्ड होता है एंटीना, वो भी आपके पास अवेलेबल है? दिखाईगा वो भी। ओरिजिनल Asus का वाईफाई कार्ड है ये, गेमिंग वाईफाई कार्ड। ये देखें गाइस इसकी बहुत अच्छी रेंज है और काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको कंप्यूटर पर यूज़ करना हो तो ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये फ़ैन कितने का है? ये बेसिकली ये है हीट सिंक है, ठीक है। ये कूलर मास्टर की ओरिजिनल हीट सिंक है, ठीक है। ये आपको मेरे पास से आपको मिल जाएगी 4,000 के अंदर, 4,000 की। और अच्छा ये कौन सी डिवाइस है? ये बताइएगा आप उसको। मिनी पीसी ThinkCentre है, ThinkCentre है। क्या इसका होता है स्पेसिफिकेशन वगैरह? अभी जैसे आई सीरीज में हम लोग ब्रांडेड सिस्टम जी। अब ऐसे ये Logitech की, ठीक है, ये i3 4th जनरेशन, 4GB रैम, ठीक है, और इसके अंदर है 128 SSD, ठीक है। ये आपको पड़ जाएगी 12,000 के अंदर। देखें इसके अंदर है एडवांस पोर्ट, हाँ ये HDMI है, गाड़ी में हम जा रहे हैं तो उसके लिए है ये HDMI है और डिस्प्ले पोर्ट है। HDMI के अंदर ये होता है 20 GB/s पर डेटा ट्रांसफर करती है, और डिस्प्ले पोर्ट है तो ये इससे और अपग्रेड पोर्ट है और आगे की टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये करती है 24 GB/s पर डेटा ट्रांसफर करती है एचडी को, ठीक है। अच्छा ये जो है आपके क्या प्राइस इसके हैं? ये आपको पड़ जाएगी 12,000 के अंदर, 4GB रैम और 128 SSD के साथ, ठीक है गाइस। इसको चाहिए हो इनसे आप वसी से रब्ता करिएगा। ये देखें बिल्कुल पोर्टेबल है और आपको मुनासिब प्राइस में दे देंगे। और आपके इनका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो इनसे आप बात करिएगा। बाकी हमारे पास LCD भी मिल जाएंगे आपको। अगर आपको गेमिंग LCD चाहिए 144 Hz की तो 144 Hz की जो AOC वगैरह की अवेलेबल है, आपको बस इसके लिए एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऑर्डर दे दीजिएगा, आप बना लीजिएगा। मेरे बड़े भाई का माल आता है सिंगापुर, US, जापान से माल आता है, ठीक है, वहाँ से लेकर आते हैं, ठीक है, सदर से लेकर आते हैं, ओके। अच्छा आप गेमिंग पावर सप्लाई ज़रा दिखाइएगा आप किस रेंज में है? गाइस ये देखिए इनके पास गेमिंग पावर सप्लाई की जो है ना, देखिए कूलर मास्टर की 625 वाट की। ये देखिए गाइस कूलर मास्टर जो है ब्रांड होता है गेमिंग के लिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त पावर सप्लाई है। ये क्या प्राइस है इसके? ये आपको पड़ जाएगी 5500 में। ठीक है, इससे कम में। बाकी ये थर्मल टेक की मेरे पास 450 वाट्स की। अब हर रेंज में हम गाइस व्यूअर्स को दिखा दें। अच्छा ये 450 वाट्स की, ठीक है। अब ये देखें एक्स कैलिबर में है मेरे पास 400 वाट की, ठीक है, 80 प्लस है, ठीक है। ये एक्स कैलिबर में गाइस देखें, एक्स कैलिबर 400 वाट्स। देखें इनके पावर सप्लाई काफ़ी है, आपको 700 वाट की पावर सप्लाई मिल जाएगी। और देखें ये आपको मार्केट में ना इतने साइज से मिलेंगे नहीं, गेमिंग पावर सप्लाई, यानी कि एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल रही है। अच्छा आप आपके पास लॉजिटेक के अच्छे वाले माउस वगैरह भी हैं, वो भी दिखाएगा गाइस। ये देखें माउस ये लॉजिटेक के वायरलेस माउस है मेरे पास, देखेंगे वायरलेस माउस है। इसका मॉडल नंबर है G903। ओके, आपको माउस पड़ जाएगा 15,000। ठीक है। और वो वाले कौन से माउस दिखाएंगे? ये भी लॉजिटेक के माउस है, ठीक है, ये भी वायरलेस माउस के लिए गाइस। ये गेमिंग के लिए हैं, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए ग्रिप अच्छी आती है इसके अंदर माउस में ना। ये नॉर्मल माउस से हटकर आपको ग्रिप अच्छी आती है। ये देखें गाइस, ये देखें, आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको अच्छे माउस की सर्च है तो ये देखें, ये बिल्कुल प्रीमियम माउस है, ये देखें। अच्छा आपके पास हेडफोन्स वगैरह भी होते हैं? भी आपको मिल जाएंगे, मेरे पास सैडिस के हेडफोन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वो किस प्राइस में मिलेंगे? वो 2500। अच्छा अगर कोई बड़ा हेडफोन चाह रहा हो जैसे एक्सबॉक्स वगैरह के, तो वो भी मिल जाएंगे आपके पास? जी 3500 अब मिलेंगे, 3500 यानी कि 5000 प्लस में हमें हेडफोन मिलेंगे। अच्छा ये देख गाइस, आप ये केसिंग वगैरह देख रहे हैं, ये एलियनवेयर की केसिंग है, ये ऊपर केसिंग्स हैं, ये सारी केसिंग्स हैं जो केसिंग चाहिए। अच्छा कीबोर्ड्स वगैरह के प्राइस बताएं अच्छे वाले गेमिंग? देखिए कीबोर्ड मेरे पास है कूलर मास्टर का सेमी मैकेनिकल 8 GB कीबोर्ड, ठीक है। ये कीबोर्ड आपको पड़ जाएगा 9000 में। चेक कर लें ग्रिप गाइस, इसका दरअसल ये इतना एक्सपेंसिव है, इसकी जो कीज़ है ना ये बहुत सॉफ्ट है, यानी कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इट फील वेरी प्रीमियम और अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा आपको। इससे कम रेंज में और कौन से हैं? इसमें नमपैड नहीं है। अच्छा नमपैड नहीं है, ठीक है, नहीं होता है वाला मिनी कहलाता है, ठीक है। ये भी कूलर मास्टर का ओरिजिनल, ठीक है, ये आपको पड़ जाएगा 6000 में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गैस इनसे आपको जो भी चीज़ चाहिए हो ये आपको दे देंगे। देखें आप ऊपर देखें, वो जो केसिंग हमने बाहर देखी ना, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू उनके पास पड़ी हुई है, केसिंग है बिल्कुल खाली है और बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये आपको मिल जाएगी। आप देख लें पूरा गेम्स के ग्राफिक्स कार्ड के कलेक्शन है, सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं, पीसी हैं, सब कुछ हैं, ये देखें सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है। जो भी चीज़ चाहिए हो आपको वसी से आप रब्ता करिएगा और वसी आपको दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स अ लॉट।